चुनाव चल रहा है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 5 राज्यों में चुनाव प्रचार में जोर शोर से कांग्रेस को जिताने के लिए काम को लगे हैं, कांग्रेस को जिताने में बीजेपी को हराना। माहौल बहुत ही अच्छा बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी सब लगे हुए हैं, पूरी सरकार को लेकर पूरा सरकार उतार दिया है। तो इसी समय नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी जब्त कर दी। नेशनल हेराल्ड एक अखबार है और इस अखबार को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया था। यह अखबार का योगदान रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी हो, उनका परिवार हो, कांग्रेस के सभी नेता हो, सभी उस अखबार से जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी थे। अब ईडी हो या और कोई हो, प्रॉपर्टी जब्त कर ली है, कुछ केस होगा, हो सकता है। बीजेपी में भी ऐसे बहुत से है केसेस, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी। अब इकबाल मिर्च की प्रॉपर्टी खुली की जाएगी, हमारे भी प्रॉपर्टी जब्त कर दी है, जिस घर में मैं रहता हूँ वो प्रॉपर्टी भी जब्त है। जो हमारे विरोधी है, जो हमारे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं चुनाव में, वो सभी को इस प्रकार से आप परेशान करेंगे। लेकिन जो आपके वॉशिंग मशीन में आ जाएंगे उनकी प्रॉपर्टी छूट जाएगी। अब जो बीजेपी के साथ जो एनसीपी के लोग गए हैं, चाहे अजीत पवार हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे हसन मुश्रीफ जी हो, हाँ शिवसेना के लोग हो, उनकी भी प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त कर ली थी, लेकिन अब मेरी जानकारी है अब वो छूट रही है। हमारी नहीं छूटेगी, हमारे बच्चों की प्रॉपर्टी नहीं छूटेगी, अनिल देशमुख जी की प्रॉपर्टी नहीं छूटेगी, लेकिन जो बीजेपी के साथ है उनकी प्रॉपर्टी छूटेगी। अब ये नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, ये राजनीतिक मामला है, पॉलिटिकल मामला है। आप हम सबको दबाना चाहते हो, हमारे आवाज दबाना चाहते हो, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये लड़ाई देश के लिए चल रही है, देश के लोकतंत्र के लिए चल रही है और ये चलती रहेगी। चाहे आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, चाहे हमारी घर जमीन जो भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज है वो जब्त कर लीजिए। ब्रिटिश काल में यही होता था, उस वक्त भी यही होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब वेस्ट इंडिया कंपनी है।